हेलो। हेलो सर, आप सबके मन में कई सवाल आ रहे होंगे ना सर। आखिर मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? मेरा मकसद सिर्फ अपने देश को आतंकवाद से सुरक्षित करना है सर, अपने देश में शांति बहाल करना है। और जब तक भारतीय सेना इकबाल, महमूद और बख्शी जैसे आतंकवादियों को अपने यहाँ मेहमानों की तरह रखेगी, तब तक नहीं ये देश सुरक्षित हो पाएगा, ना कभी शांति आ पाएगी। हाँ, मैंने मरवाया है इनको, और मैंने जो किया उस बात का ना मुझे कोई अफसोस है ना कोई गम। आखिर क्यों ना करता, जो काम भारतीय सेना को करना चाहिए वो एक आम नागरिक होने के नाते मैं कर रहा हूँ। आपका फर्ज बनता है ना सर कि हम सब की रक्षा करना, पर आप सबसे तो ये हो नहीं रहा ना। आप सब तो उनको इंटरोगेशन के लिए अपने पास में रखेंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद क्या होगा सर? इस देश का कानून जितना खोखला होता जा रहा है ना सर, उतना आम नागरिक नहीं है। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ अपनी। हर रोज सुबह 9 बजे मैं ऑफिस के लिए निकलता था, 9:30 पे अपनी ट्रेन पकड़ता था। आप तो अच्छी तरह जानते होंगे ना, मुंबई में रोड से ज़्यादा मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ दिखती है। उसी भीड़ में मेरी मुलाकात हुई एक लड़के से, रहा होगा 24 से 25 उम्र का। हम दोनों दूर खड़े होते थे, जब भी वो मुझे देखता मुस्कुराता। उसकी मुस्कुराहट कब महीने दो महीने में हमारी दोस्ती में बदल गई मुझे खुद नहीं पता चला। जब तक उसको देख नहीं लेता था तो ऐसा लगता था जैसे दिन की शुरुआत ही नहीं हुई। पर एक दिन वो इशारों में मुझे देखता है और अपनी हाथ की उंगली में पहनी हुई अंगूठी दिखाता है। उसकी मंगनी हो गई थी सर, और मुझसे इशारे में कहता है 4 दिन बाद उसकी शादी है। मुझे भी बुलाया था सर उसने, पर अगले दिन मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया, मेरी ट्रेन छूट गई सर, और मैं अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाया। मैं स्टेशन पे पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन निकल चुकी है, और न्यूज़ आती है कि अगले स्टेशन पे उसी ट्रेन में ब्लास्ट हो गया। मैं उस ट्रेन में नहीं था सर, पर वो था। क्या गलती थी उसकी, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो उसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ नहीं? मेरा भी होना जरूरी था ना सर। और जब तक आप ऐसे ही आतंकवादियों को अपने यहाँ मेहमानों की तरह रखोगे, हर रोज इस देश में मातम होगा। इस देश में चौराहे से लेके ट्रेन, मॉल से लेके बाजार, कोई जगह सुरक्षित नहीं रह जाएगी सर। और उस लड़के जैसे हजारों बेगुनाह बेमौत मारे जाएंगे। अब आप ही सोच लो, मैंने जो किया वो सही किया या गलत?